ये पृथ्वी पर जीवित एकमात्र उत्परिवर्ती छिपकली है। ये भयंकर और खूंखार दिखता है, लेकिन वास्तव में ये खरगोश की तरह शर्मीला होता है। ये शख्स देखने में बिल्कुल खूबसूरत जलपरी जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक अजीब समुद्री जीव है। इतना ही नहीं, इस जगह पर अनगिनत खास जीव भी हैं। उनमें से अधिकांश सक्रिय रूप से इस राहत स्टेशन पर आए। यहाँ की मैनेजर डॉक्टर हेलेन है। वो विदेशी प्राणियों की रक्षा करती है, उन्हें परीक्षण से बचाती है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें इस जगह पर अवश्य रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे बेहद खतरनाक होते हैं। विल इन प्राणियों से भयभीत था। उसने उत्सुकतावश हेलेन से पूछा कि उसने मुझे इस स्थान पर क्यों बुलाया। हेलेन ने कहा, चूंकि विल ने मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, इसलिए वो उससे मदद मांगना चाहती थी। हाल ही में शहर में एक राक्षस दिखाई दिया जो इंसानों का दिमाग खाने में माहिर है। मौके पर पहुंची पुलिस को एक लड़का मिला। वो एलेक्सी को बाहर निकलने की सलाह देता है, लेकिन वो पुलिस पर हमला कर देता है। हमला करने का मुख्य हथियार एक लंबा तंबू है। दूसरे पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। अब हेलेन की बेटी एशले को इस रहस्यमय लड़के का सुराग मिल गया है। विल को जगह मिल जाती है और वो एलेक्सी से बात करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन टेंटिकल ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से एशले ने समय रहते विल को बचा लिया। अंत में हेलेन ने एलेक्सी को बेहोश करने के लिए संवेदनाहारी का इस्तेमाल किया और उसे पशु आश्रय में ले गई। विल का मिशन एलेक्सी से बात करना है। वो एलेक्सी के कमरे में गया, फिर लड़के की मदद करने के लिए हथकड़ी खोली, साथ ही उसे नुकसान न पहुंचाने का वादा भी करें। लेकिन टेंटिकल्स को विल की बातों पर भरोसा नहीं था। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में विल एलेक्सी के दिल में उदासी देख सकते हैं। लड़का जितना अधिक डरा हुआ होगा, टेंटिकल उतना ही अधिक शक्तिशाली हमला करेगा। विल ने बैल जैसे सिर वाले व्यक्ति को थोड़ा दूर खड़े होने का इशारा किया। एलेक्सी अंततः शांत हो गया, तंबू भी सिकुड़ गया। अपना बचाव छोड़ने के बाद एलेक्सी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। परमाणु पिघलने की घटना से प्रभावित होकर जन्म से ही टेंटिकल्स एलेक्सी से जुड़े हुए हैं। सभी ने लड़के को एक राक्षस के रूप में देखा, जिससे एलेक्सी को असुरक्षित महसूस हुआ। दरअसल युवा एलेक्सी किसी को मारना नहीं चाहता था। गरीब लड़के की मदद करने के लिए हेलेन ने अस्थायी रूप से उसे अजीब प्राणियों के साथ रहने के लिए बचाव स्टेशन पर रहने दिया। लेकिन अब एक बिन बुलाए मेहमान बचाव स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये हजारों साल पुराना समुद्री जीव है। इसे भारतीय F4 की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। इसका लुक जलपरी जैसा है, बाल समुद्री घास से बने हैं। वो भविष्य के खतरे की भविष्यवाणी कर सकती है। ये खतरा फिर से अत्याचारियों से संबंधित है। एक बार जब ये अजीब जीव छोड़े जाते हैं, तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। हेलेन कैमरे की जांच करती है और उसे पता चलता है कि जॉन बचाव स्टेशन में घुसने के लिए तत्काल टेलीपोर्टेशन का उपयोग करना चाहता है, लेकिन उन्हें तुरंत बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि रेस्क्यू स्टेशन के चारों ओर वकंडा की सुरक्षा के लिए एक बैरियर लगा हुआ है। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उस मौके का फायदा उठाते हुए जब एशले चुपचाप एशले के साथियों पर हमला करने के लिए निकला, इसके बाद उन्होंने एशले को घुमाते हुए टेलीपोर्ट का उपयोग किया। यहां तक कि एशले के सामने खड़ा जॉन भी उसे छू नहीं सका, क्योंकि इस आदमी की गति बहुत तेज है। वो चीनी तकनीकों में भी पारंगत है। महत्वपूर्ण क्षण में कन्नन जॉन पर पीछे से हमला करने के लिए एक अचेत बंदूक का उपयोग करने में सक्षम था। जब वे जॉन को बचाव स्टेशन में बंद करने वाले थे, तो कौन जानता था कि यह वही योजना थी जो उसने बनाई थी। स्टेशन में प्रवेश करते ही वो उठकर बैठ गया। जॉन ने कर्मचारियों को सुरक्षा बाड़ बंद करने की धमकी दी। जब हेलेन को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन एशले का अपहरण कर लेता है और उसे टेलीपोर्ट करके टायरानोसोरस रूम में ले जाता है, जहां वो जानवर का रात्रिभोज बन जाती है। वो इस तरीके का इस्तेमाल करके हेलेन को अपना खून सौंपने के लिए मजबूर करना चाहता था। क्योंकि हेलेन में हमेशा जवान रहने की क्षमता है, इसलिए वो 157 साल तक जीवित रही हैं। हेलेन का खून लोगों की जान बचा सकता है। 100 साल से भी अधिक पहले उसने जॉन की जान बचाई थी। अब जब जॉन मर रहा है, तो वो जीवन को बनाए रखने के लिए हेलेन के खून का उपयोग करना चाहता है। और हेलेन जॉन जितनी तेज नहीं है, उसकी बेटी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अंत में उसने अपना खून उसे दे दिया, लेकिन जॉन को यह नहीं पता था कि खून में कुछ खास पदार्थ होते हैं। शरीर में खून डालने के बाद जॉन का शरीर शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर अजीब तरीके से गायब हो गया। इस समय एशले अत्याचारी पीड़ा से पीड़ित है। विल और निकोला लोगों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इस जानवर से उनका कोई मुकाबला नहीं है। निर्णायक क्षण विल ने छत पर लगे शीशे को तोड़ने के लिए अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया। ये पता चला कि अत्याचारी तेज रोशनी से डरता था और जल्दी से आश्रय मांगता था।
इस तरह सभी लोग खतरे से बाहर हैं। उन्होंने ये भी सोचा कि जॉन को मारना कहानी का अंत होगा, लेकिन अगले राक्षस ने विल को लगभग डरा दिया। ये तीन लड़कियां सर्वकालिक प्रसिद्ध शी समूह हैं। केवल तीन लोगों ने मिलकर एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत जारी किया। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एक दिन पहले उन्हें 1000 साल के लिए पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया गया था। ग्रेगरी द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी के आधार पर एक राक्षस एक अजीब पहाड़ पर दिखाई दिया। इंसानों के पहाड़ के पास पहुंचने के बाद कोई भी जीवित नहीं लौटा। इससे हेलेन का समूह बहुत उत्सुक हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह राक्षस आत्माओं की रक्षा करने वाला मृत्यु का देवता है। इनकी संख्या बड़ी है। हेलेन और उसकी माँ ने उनके साथ भयंकर युद्ध किया। काया विल को बस एक गुफा में छिपना पड़ा। उन्होंने पाया कि यहाँ 3 पत्थर के ताबूत थे, लेकिन जॉन ने गलती से आभासी सांप पर पैर रख दिया, जिससे ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर 3 युवा खूबसूरत लड़कियां शांति से आराम कर रही थीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे अभी भी जीवित हैं। मृत्यु के देवता को हराने के बाद वे तीनों लड़कियों को बचाव स्टेशन ले गए, लेकिन ये तीन लोग हमेशा गहरी नींद में सोए रहते हैं। हेलेन ये देखने के लिए एक गंभीर रीपर का विच्छेदन करना चाहती है कि क्या उसे कोई नया सुराग मिल सकता है, लेकिन बदसूरत चेहरे के अलावा खोजने के लिए कुछ भी नया नहीं है। इसी समय 3 लड़कियों में से एक जाग गई। विल उस लड़की से बात करना चाहता है, लेकिन वो अचानक विल को कसकर गले लगा लेती है। एक संक्षिप्त मानसिक प्रसारण के माध्यम से एबी विल के साथ संवाद करने के लिए आधुनिक भाषा का उपयोग करता है। तभी बाकी दोनों लड़कियां भी अचानक जाग गईं। धीरे धीरे उनकी यादें वापस आ गईं। 800 साल से भी पहले वे एक रहस्यमय संगठन में हत्यारे थे। अपनी बेहतर क्षमता के आधार पर ये 3 लड़कियां पूरी सेना को नष्ट कर सकती हैं। लेकिन अंत में वे एक अजीब काले घोल में फंस गए, एक पत्थर के ताबूत में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दर्दनाक यादें, उत्साहित मूड को याद करने वाले 3 लोगों ने एक बार फिर एक दूसरे का सहयोग किया। एक पल के लिए बचाव स्टेशन जोर से हिल गया। छिपकली इतनी डर गई कि कांपने लगी। पता चलने से पहले ही चली गई कि उसका पिता कौन है, उसकी जान चली गई। विल 3 लड़कियों को रोकना चाहता है, लेकिन लगभग अपनी जान गंवा देता है। महत्वपूर्ण क्षण में हेलेन ने लड़कियों को बेहोश करने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया। विल ने कहा वे स्वतंत्र थे, लेकिन एबिली इस बात पर अड़े थे कि यह इतना आसान नहीं है। इस समय मृत्यु देवताओं की एक सेना को बचाव स्टेशन मिल गया। विल 3 लड़कियों को सुरंग के माध्यम से भागने में ले जाएगा। हेलेन का समूह गंभीर रीपर्स के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर पीछे रह गया। हेलेन की शक्ति पर भरोसा करते हुए मृत्यु के देवता को एक बार फिर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि रहस्यमय संगठन के पास अभी भी सैनिकों की एक आधुनिक सेना है। उन्होंने हेलेन के समूह को घेर लिया। जिस क्षण बुरे लोग हमला करने वाले थे, एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। पता चला कि 3 लड़कियां नहीं गईं। वे विल के समूह की सुरक्षा के बदले में रहस्यमय संगठन में लौटने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। लेकिन रहस्यमय संगठन के दबंग कप्तान ने कहा उनमें और भी अधिक भयानक शक्ति है। बचाव स्टेशन में अजीब जीव दिखाई दिए। विल डर गया और हर जगह भाग गया। जैसे ही उसे लगा कि उसे खा लिया जाएगा, अचानक कोई राक्षस को गले लगाने के लिए दौड़ा और एक साथ खिड़की से बाहर निकल गया। अंततः राक्षस सहित हवा में गायब हो गया। एशले राक्षस के बारे में पूछताछ करने के लिए ग्रेगरी के पास जाती है। इसने सोचा था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी। यह व्यक्ति वही है जो पहले बचाव स्टेशन में घुस गया था, जॉन। एशले को एक गोदाम में टेलीपोर्ट किया गया है। जॉन का कहना है कि बचाव स्टेशन के अंदर का राक्षस उसका दोस्त है। राक्षस जानबूझकर एशले को मिलने के लिए लुभाता हुआ दिखाई दिया। उसका असली मकसद हेलेन का ठिकाना जानना है, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हेलेन खतरे में होगी। इस समय हेलेन भाषण दे रही थी, तभी किसी ने उसे एक कागज का टुकड़ा भेजा। अंदर से कहा गया कि 3 मिनट में उसकी जान चली जाएगी। हेलेन डाकिया से मिलने के लिए बाहर जाती है। ये 100 साल से अधिक पुराना डेकलिन का पुराना दोस्त निकला, जिससे वो कभी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि रहस्यमय संगठन के लोग हेलेन को मारने की कोशिश कर रहे थे। वे दोनों जल्दी से भूमिगत तहखाने में छिप गए, लेकिन बेटी एशले को जॉन की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उसे नियंत्रित करने का एक तरीका भी खोजना चाहती थी। जॉन व्यस्त सड़क पर टेलीपोर्ट करता है, फिर खोलते लावा के गड्ढे की ओर भागा। अंत में हवा से जमीन पर स्वतंत्र रूप से कूदे। एशले इतनी डरी हुई थी कि वो ये सब छोड़ देना चाहती थी। जॉन को पीछे की सच्चाई बतानी पड़ी। पता चला कि वो और हेलेन पहले युगल थे। डेक्लान के साथ मिलकर उन्होंने रहस्यमय तरल का आविष्कार किया।
लोगों में इंजेक्ट किए जाने के बाद उनके पास महाशक्तियाँ होंगी। जॉन टेलीपोर्ट कर सकता है। एलेन हमेशा अपनी स्वर्गीय सुंदरता बनाए रखेगी। डेक्लान एक पिशाच में बदल गया। अब उसकी क्षमता और भी मजबूत होती जा रही है, यहाँ तक कि अमर होने की क्षमता भी रखती जा रही है। मृत व्यक्ति को तुरंत जीवन में वापस आने के लिए और फिर दूसरे रक्त चूसने वाले राक्षस में बदलने के लिए केवल अपना खून पीने की जरूरत है। यदि वो सहयोग नहीं करेगा तो अत्यंत क्रूर होगा। जॉन के शरीर पर अनगिनत निशान देखकर आखिरकार एशले ने उस पर विश्वास कर लिया। इस बिंदु पर हेलेन ने भी डेक्लान के इरादों का अनुमान लगाया। रहस्यमय आयोजक जो मारना चाहता है वो डेक्लान है, हेलेन नहीं। वो चाहता है कि हेलेन उसका सहयोग करे और बचाव स्टेशन के सभी प्राणियों को खून चूसने वाले राक्षसों में बदल दे। विश्व प्रभुत्व के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हेलेन असहमत थी, उसने गोली चला दी और भाग गई। लेकिन वो इन जालिमों से कैसे बच सकती थी? ज्यादा समय नहीं बीता जब हेलेन उन पर हावी हो गई। डेक्लान हेलेन को काटना चाहता है ताकि वह भी पिशाच बन सके। इसी समय जॉन अचानक उसके पास आता हुआ दिखाई दिया। साथ ही माँ और बेटी हेलेन को सुरक्षित स्थान पर भेज दें। अंततः बिना कुछ कहे गायब हो गया। पहली बार एशले ने हेलेन से पूछा, क्या वो तुम्हारे पिता हैं? यह सही है।